पूजा करो। हो गया, मैं तो यहीं जॉब करता हूँ, तो ये मेरे को ऐसा कि हो गया। हाँ जी, 15 मिनट आपको हाथ मोड़ कर रखना है सर, 5 मिनट आप लेते हैं। अच्छा, हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग, फिलहाल अच्छे होने चाहिए। फिलहाल मैं आया हूँ आज सरकारी अस्पताल में, क्योंकि हमारे जो ताऊ के लड़के हैं उनकी वाइफ की लड़की हुई है, तो खून की कमी है। तो फिलहाल मैं अपना खून निकला दान करने आया हूँ, मतलब कि रक्तदान। तो फिलहाल गाइस देख सकते हैं, मुझे स्ट्रेचर पर लिटा दिया है, तो मेरे हाथ में सुई भी लगी हुई है, तो फिलहाल खून निकल रहा है। तो फिलहाल देख सकते हैं आप, डॉक्टर साहब भी हमारे आने वाले हैं, सुई लगा कर चले गए। तो साहब ने पीछे देख सकते हैं, भैया भी लेटे हैं, उनका भी खून निकाला गया था, रक्तदान किया गया उन्होंने भी। तो फिलहाल देख सकते हैं, फिलहाल तो मैं आराम करवा रहा हूँ। तो देख सकते हैं, बहुत ही मोटी सुई थी जो मेरे हाथ में घुस दी गई, मुझे बड़ा दर्द हुआ। तो फिलहाल देखते हैं, चलते हैं अपना, डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं सुई निकालने के लिए। देख सकते हैं, नाम की औजार सुन के मतलब बरसात में लावली के पास हजारपुर बाढ़ बुरा औजार। अच्छा अच्छा, ये जहाँ पे माला नदी खत्म हुई हमारे यहाँ जा खत्म हुई। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब ने फिलहाल सुई लगा रखी है मास्क अंदर भयंकर करके, सारी जान खेच ली आज। पर भैया खून देने से कोई दिक्कत थोड़ी होती है? नहीं, बहुत अच्छा रहता है शरीर ना, वो तो रहता है अच्छा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है लोग कुछ बहन को मारो नहीं करवाते। नहीं, वो अंदर के जो डर निकल जाए लोगों के पास, शुरू में तो ऐसे ही रहता है ना। अच्छा, इसके बेनिफिट भी बहुत है। अच्छा ना, वैसे रक्तदान तो बहुत करना चाहिए जी, इससे बड़ा दान ना होता कोई भी। रक्तदान से मतलब दान महादान। हाँ, और वैसे यूट्यूब पर मैं वीडियो वगैरह भी डालता हूँ। तो ये जो मैं तो मंदिर से आ रहा था प्रसाद चढ़ा के, तो ये हमारा भैया मिल गया, मैंने कोई दिक्कत तो ना है, तो बोला खून की दिक्कत है, मगर चलो बहुत अच्छा, मगर जो भी दिक्कत जैसे भी तैयार। बल्कि एक और को लेके आया साथ में अपनी में, जिससे कि मेरा ना मिला तो दूसरों का तो मिलेगा जी। तो जब मेरे से काम हो गया तो वहाँ तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा ना सोड़ हो रही इस टाइम, तो इस टाइम में बालाजी की पूजा करता है ना, इस समय मैं वहाँ जा नहीं सकता। कहाँ पर? अस्पताल के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके पास मतलब की भाभी के पास, हम वहाँ जा नहीं सकता। जब सोड़ खत्म हो जाएगी ना तभी जाना होगा मेरे अंदर, नहीं मैं नहीं जा सकता बिल्कुल भी। सही कह रही, बालाजी की पूजा करो। हो गया, मैं तो यहीं जॉब करता हूँ, तो मेरे ऐसा हो गया। हाँ जी, 15 मिनट आपको हाथ मोड़ कर रखना है सर, 5 मिनट आप लेते हैं। अच्छा, फिलहाल डॉक्टर साहब ने सुई निकालनी है, 15 मिनट हाथ मोड़ने को कहा है, और गाइस देख सकते हैं आप, 5 मिनट के लिए लेटने के लिए कहा है। तो फिलहाल लेटे हैं, आराम फरमा रहा है। तो पहली बार रक्तदान किया है, तो रक्तदान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है रक्तदान करना। तो गाइस फिलहाल मेरे ब्लॉग कई दिन से नहीं आ रहे थे, मेरी गर्दन में भी तकलीफ है बहुत ज़्यादा, मेरी गर्दन सबको सोती रह गई, तो इसलिए फिलहाल मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। तो इसलिए मैं भैया ने कहा कि रक्तदान करवाना है, तो मैंने कि चलो मैं मंदिर से आ रहा था प्रसाद चढ़ा करके, मैं भैया को दिक्कत तो नहीं है। भैया बोले कि हाँ भी दिक्कत तो है, लेकिन फिलहाल तुम जो हो खून चाहिए आपको, मैं ठीक है, मैं मेरा नहीं मिलता तो इसलिए मेरा इस यहाँ पड़ा हूँ। देख सकते हैं हाफ कैश में रखा है मैंने। तो फिलहाल भैया रिपोर्ट लेने गए, जब आते ही हो गए तो मुझे को 5 मिनट लेटने के लिए कहा है। तो मैं अब जा करके गाइस फिलहाल पीता हूँ जूस, जिससे कि कुछ एनर्जी आएगी। तो गिलास तो फाइल में देख सकते हैं, फिलहाल देख सकते हैं आराम फरमाना हो, और यहाँ का देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है। इसलिए हाथ फोल्ड करने को बोला है और लेटने के लिए बोला है, तो 15 मिनट के लिए तो हाथ ऐसे ही रखना है मेरे को। तो गाइस फिलहाल मैं पड़ा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो भैया लेने गए रिपोर्ट, आए भी हमारे करीबन 1 घंटा हो गया था, तो करीबन 1.5 बज चुका होगा इस टाइम। तो फिलहाल जाते हैं, इस टाइम में फिलहाल कोई महसूस नहीं हो रहा कमजोरी वगैरह, तो फिलहाल मैं पड़ा हूँ यहीं पे। तो फाइनली
देख सकते हैं मैं साथ में लाया था कि जो तो जगह मेरा नहीं मिलता तो गाइस उसका मिल जाए साथ वाले का, तो फिलहाल मेरा ही काम हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो गाइस आप भी किलो थोड़ा रक्तदान करने के, तो आप कर सकते हो, रक्तदान करने में कोई दिक्कत नहीं होती, खून का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो फिलहाल गाइस पढ़ा हो 15 मिनट के लिए हाथ फोल्ड करने के लिए बोला है, तो मैं मंदिर से आ रहा था तो भैया बोले कि खून चाहिए, तो मैंने कोई दिक्कत तो नहीं है कि हाँ दिक्कत है बस थोड़ी ब्लड की, एक यूनिट मैंने खून निकाल दिया है अपने अंदर से, तो फिलहाल देख सकते हैं आप मैं कह सकता हूँ ऐसे नहीं। अब कुछ यहाँ का माहौल है देख सकते हैं आप, सर भैया भी आ चुके हैं, तो फिलहाल मैं चलता हूँ उठ कर बाहर को, देखते हैं रात हमने फोल्ड ऐसे रखना है, तो भाई चलते हैं बाहर। Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. फिलहाल गाइस मैं जा रहा हूँ अपने घर, तो देख सकते हैं आप किस तरह हाथ में ना फोल्ड किया हुआ है, और साथ में भाई जो है बाइक चला रहा है क्योंकि मेरे साथ बाइक चलती नहीं, अगर मैं किसी वजह से मैं हाथ सीधा करता हूँ तो मेरा हाथ में से खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल 15 मिनट के लिए हाथ मोड़ने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला था, तो फिलहाल गाइस चल रही है बाइक, तो चलते हैं अपने घर को। It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. Finally, guys, फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे। तो थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही थी निकलने के बाद, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह वह सब बंद कर दी थी, तो इसलिए गाइस मैं आ चुका हूँ। किसी के साथ बाइक पे बैठ कर आया था तो बाइक पे भी मेरे जो चक्कर से आ रहे थे इसलिए, तो फिलहाल मैं अब इस टाइम घर पर हूँ, वो भी मौसी के घर पर, क्योंकि मौसी का लड़का मिल गया साथ में इसलिए उनके साथ आ चुका। तो फिलहाल चलता हूँ अपने घर, मैं मेरे को करनी है पूजा, तो पूजा करके थोड़ा आराम करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो हर वीडियो में वाली बात बोलता हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो कमेंट जरूर करें। तो गाइस फिलहाल चलते हैं, बाय।